ओके गाइस, सो आई होप वी आर ऑल सेट फॉर द एग्जामिनेशंस। अब ज्यादा पैनिक मत हो, जो आपने पहले किया हुआ है वो सब काम में आएगा। जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सो डोंट वरी। सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें स्टोर्ड है, टेंशन मत लेना कि सर मेरा ये चैप्टर छूट गया है, मेरा ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। जब एग्जाम लिखने बैठोगे एवरीथिंग विल गो वेल। अब ये मैंने वीडियो बनाया जस्ट फॉर 2 मिनट्स, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी इफ AFM पेपर इज चैलेंजिंग। नाउ लास्ट 3 अटेम्प्ट्स द AFM पेपर्स हैव बीन वेरी मैनेजेबल। लास्ट पेपर वॉज वेरी इजी, चेकिंग वॉज ऑल्सो वेरी इजी। उसके पहले वाले जो अटेम्प्ट्स के पेपर्स थे दे वर ऑल्सो वेरी मैनेजेबल, कुछ बहुत इतना ग्रेट डिफिकल्टी लेवल नहीं था। बट इफ ICAI प्लान्स टू शिफ्ट देयर स्टैंड एंड इफ द AFM पेपर बिकम्स चैलेंजिंग, तो ये चार बातें याद रखना। ट्रस्ट मी दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू व्हेन यू आर राइटिंग योर एग्जामिनेशंस। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर फर्स्ट 45 to 50 मार्क्स। 45 to 50 मार्क्स इंस्टीट्यूट ऐसा पूछेगा ही पूछेगा जो मॉड्यूल में से है। हो सकता है एज इट इज मॉड्यूल में से ना हो सकता है नंबर्स थोड़े बहुत इधर हो या नाम चेंज हो, बट 45 to 50 मार्क्स फॉर श्योर ऐसा मिलेगा आपको पूरे पेपर में। ध्यान से देखना, जहां पे यू विल बी कंफर्टेबल दैट हाँ ये देखा हुआ है, आई कैन अटेम्प्ट दैट एट द फर्स्ट प्लेस, सो दैट एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड, अगर पेपर चैलेंजिंग लग रहा है तो ऑब्वियसली पूरे इंडिया के लिए चैलेंजिंग है ये, तो थोड़ा सा MCQ में ज्यादा टाइम देना। क्यों? क्योंकि MCQ का अगर आपको प्रॉपर मार्क्स मिल गया देन इट इज फुल 100% मार्क्स। मतलब MCQ अगर राइट गया, 2 मार्क का MCQ राइट गया, ऐसे 5 MCQs राइट गए, तो फुल 10 out of 10 है अपने को। सो वी हैव टू देन फोकस मोर ऑन MCQ एज वेल, बिकॉज दैट विल गिव अस फुल 100% मार्क्स इफ द ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, राइट थियरली प्रॉपरली। आप लोग, मैंने कल जो शाम को इवनिंग में वीडियो डाला है वो आप लोग सब लोग ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया है। कीप ऑन यू नो वॉचिंग दैट अगेन, सो दैट बाय एग्जाम आप लोग के माइंड में एकदम चीजें थियोरी वाइज याद रह जाए, सो दैट थियोरी इज ऑल्सो हेल्पफुल। बिकॉज थियोरी में तो कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाले, चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ सकता है, सो थियोरी विल बिकम अ बोनस एज वेल। सो 45 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से आएगा, 10-15 मार्क का थियोरी जो काफी मैनेजेबल होगा एंड थिंग्स विल बिकम मैनेजेबल। फिर बाद में अपने को ध्यान रखना है कि पेपर कोई भी हालत में 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, बिकॉज अटेम्प्ट एवरीथिंग एज इजी चेकिंग विल फेच गुड मार्क्स। इट इज अ हिस्ट्री दैट यूजुअली पेपर डिफिकल्ट या चैलेंजिंग होता है, देन द चेकिंग इज ऑन अ लाइटर साइड। तो वहां पे इंस्टीट्यूट देखता है कि भाई कौन मेंटली स्ट्रांग था और अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, मेरी अभी कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कि उसका लास्ट अटेम्प्ट में FR में 59 था एंड दैट पर्सन डिडंट यू नो, ये बार का FR ओके था उसका, सो दैट पर्सन वॉज जस्ट थिंकिंग दैट सर थोड़ा और अटेम्प्ट कर लिया होता तो, एंड उन्होंने लास्ट एग्जाम का जो अटेम्प्ट था दैट शी हैड अटेम्प्टेड 85 मार्क्स, तो 15 मार्क और अटेम्प्ट कर लिया होता तो 1-2 मार्क तो और मिल ही जाता एंड इट वुड हैव बीन एग्जेम्पशन। एंड ये बार FR का पेपर उनका ओके है, सो यू नो अलग अलग थॉट्स आते हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी क्विक, attempt as much as you can especially in these kind of papers and ensure that we are through. ये खाली if it is challenging, challenging आज की तारीख में हो गया कि भाई अगर कुछ भी मॉड्यूल से हटके आता है तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्फिडेंट रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, आराम से चीजें मैनेज होगी। पूरे इंडिया के लिए पेपर एक ही है, डू वेल, गिव योर बेस्ट शॉट एंड पैनिक नहीं होना है अपने को, स्टे काम। यहाँ पे सब चीजें स्टोर्ड है, खाली वो 1-1.5 दिन का काम नहीं होता है जो लास्ट 6 महीना इतना अपन लोग ने 3 महीना 4 महीना मेहनत किया है, वो सब एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस व्हेन यू राइट योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, थैंक यू।